हरे महादेव दोस्तों, आज हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से आठवें ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, जिसका वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। यहाँ पर त्रिदेव एक साथ ही विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में तीन छोटे शिवलिंग हैं, जिन्हें त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों त्रिदेव यहाँ विराजमान हुए और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। तो दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि महर्षि गौतम और उनकी पत्नी ब्रह्मगिरी पर्वत पर एक आश्रम में निवास करते थे, लेकिन आश्रम के कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो महर्षि गौतम के प्रति ईर्ष्या का भाव रखते थे और उन्हें नीचा दिखाने की हर समय कोशिश करते रहते थे। ईर्ष्यालु ऋषियों ने महर्षि गौतम को आश्रम से बाहर निकालने की एक योजना बनाई और उन पर गौ हत्या का आरोप लगाया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने माँ गंगा को धरती पर लाने का विचार किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या में लीन हो गए। गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव ने गौतम ऋषि से वर मांगने के लिए कहा। तब महर्षि ने देवी गंगा को इस स्थान पर प्रकट होने का वरदान मांगा, लेकिन इस पर माँ गंगा ने यह शर्त रखी कि यदि भगवान शिव त्रिदेव रूप में स्थान पर रहेंगे तभी वह यहाँ रहेंगी। गंगा के ऐसा कहने पर शिवजी वहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं स्वयं महेशलिंग के रूप में वास करने को तैयार हो गए और अपने वचन के अनुसार गंगा नदी गौतमी के रूप में वहाँ बहने लगी। गौतमी नदी का एक नाम गोदावरी भी है। दक्षिण दिशा की गंगा कही जाने वाली नदी गोदावरी का यही उद्गम स्थान है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास तीन पर्वत स्थित हैं, जिन्हें ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि सावन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक के भी दर्शन करने को मिल जाए तो व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यही केवल ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ